हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलो गर्ल ट्रैवलर और मैं लवलीना आपको आज बताने वाली हूँ कि दिल्ली से दुबई या अबू धाबी कैसे आया जा सकता है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी को इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी मेरी जर्नी की दिल्ली से और मैं पहले पहुँची दुबई और उसके बाद अबू धाबी। तो ये प्रोसेस क्या है, सफ़र कैसा रहा, इससे जुड़े कुछ सवाल मुझे ट्विटर पर तब आने शुरू हुए जब मैंने पोस्ट डाला कि फाइनली आई हैव लैंडेड इन दुबई। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो आई एम रेडी टू हेल्प। तो डेफिनेटली इस हेल्प प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि दिल्ली से दुबई के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दूसरा सवाल ये था कि कैसे ट्रैवल किया जा सकता है, आपने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया, आरटीपीसीआर मैंडेटरी है, रैपिड पीसीआर कहाँ कराया जाए, या फिर जो है आपको फ्लाइट्स वापस की बुक करानी ज़रूरी है या नहीं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है, वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या नहीं, एंड सो ऑन। ये सवाल जो हैं जो मुझे मिले हैं, मैं आपको एक एक करके इनके जवाब देने वाली हूँ। दोस्तों देखिए, मेरी जर्नी शुरू हुई थी 6 सितंबर 2021 को, जिसके लिए मैंने कुछ 1 सितंबर को अपना वीज़ा अप्रूवल पा लिया था, यानी कि मुझे विजिट वीज़ा मिल गया था। आई एम हेयर फॉर 90 डेज, तो मैंने अपना विजिट वीज़ा एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू लगवाया एंड वो आने के बाद मैंने तुरंत जो है 4 सितंबर को आई गेस अपना आरटीपीसीआर कराया था, जिसको मुझे 5 सितंबर को दोबारा कराना पड़ा क्योंकि वो 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि 6 सितंबर को मेरी 9 बजे मॉर्निंग में फ़्लाइट थी, जिसके लिए मेरा आरटीपीसीआर माननीय नहीं होता टिल द टाइम आई बोर्ड द फ्लाइट, क्योंकि मेरा टेस्ट अर्ली मॉर्निंग हो चुका था। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि अगर आपकी फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 15 सितंबर को है तो आप अपना टेस्ट 14 सितंबर अर्ली मॉर्निंग कराएं, ताकि आपका जो आरटीपीसीआर है वो 48 आवर्स तक वैलिड रह सके। देयर वर सो मेनी विजिटर्स इन द एयरपोर्ट जिनका आरटीपीसीआर जो है वो 48 आवर्स से क्रॉस हो चुका था और उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया गया, उनकी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। मोरओवर एयरपोर्ट पर आपको अगर दुबई के लिए आ रहे हैं या अबू धाबी के लिए आ रहे हैं तो आपको रैपिड पीसीआर कराना रहेगा, जिसके लिए आपको 6 आवर्स पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना रहेगा। वेल अगर आप 5 आवर्स या 4 आवर्स पहले भी पहुंचे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मुझे 6 आवर्स का नोटिफिकेशन आया था तो मैं पहुंच गई थी तकरीबन 3:15, जिसके लिए मुझे वेट करना पड़ा 5:30 बजने का और मैंने अपना रैपिड पीसीआर कराया। 4,000 रुपीज़ का कॉस्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, आप रैपिड पीसीआर करा सकते हैं और शटल में इंतज़ार कर सकते हैं। 1 आवर लगता है इसका टेस्ट रिजल्ट आने के लिए और इंतजार करते करते आप थोड़े से मूवीज, गपशप, अपना लाइट ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। वहां पे इस तरीके की कोई भी आप कह सकते हैं कि रोक टोक नहीं है, आप आराम से इंडिया में तो रिलैक्स होकर एंजॉय कर सकते हैं अपने एयरपोर्ट टाइम को। वेल, इसके बाद जब आपकी रैपिड पीसीआर की रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगी तो आपको बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप फ्लाइट जब भी बुक कराएं तो अपने अपने बोर्डिंग टाइम को फ्लाइट के टिकट पे देख लें, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मिल गया था कि मुझे 2 आवर्स प्रायर, यानी कि मुझे 120 मिनट्स पहले जो है बोर्डिंग करनी थी, तो मैंने अपना बोर्डिंग जो है वो टाइम से पहले कर लिया। बोर्डिंग में टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपके कोविड टेस्ट, साथ ही साथ आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, बैगेज पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाएगा एंड ये भी याद रखिएगा कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हों। सबसे पहले आपको विजिट वीज़ा चाहिए रहेगा जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए। मोरओवर आप वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में चेक कर सकते हैं कि गाइडलाइंस फ़िलहाल की क्या चल रही हैं, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो वीज़ा ऑन अराइवल अभी अलाउड नहीं था। उसके अलावा आपके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास रैपिड पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। आप कितने दिन के लिए विजिट करने के लिए जा रहे हैं, अपने वीज़ा के हिसाब से आपको रिटर्न टिकट कराना होगा। आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ दिरहम्स में कैश होना चाहिए। इसके बाद जब आप जाते हैं, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो आपको बोर्ड करने दिया जाता है। मेरे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं था और साथ ही साथ मैंने अपना होटल बुकिंग इसीलिए नहीं कराया था बिकॉज़ आई हैव प्लान टू स्टे लॉन्गर। मेरे हस्बैंड यूएई में रहते हैं, ही इज़ अ रेजिडेंट, तो मुझे वहाँ पर अपनी हस्बैंड की रेजिडेंशियल आईडी, अमीराती आईडी को शो करना पड़ा, उसके बाद मुझे बोर्ड करने दिया गया।
बोर्डिंग करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ओर। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाकर आपको अपना वीज़ा दिखाना होता है, बोर्डिंग पास चेक कराना होता है, फिर उसके बाद आपसे सवाल किया जाता है कि आप दुबई या अबू धाबी ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं। वैसे आप दुबई से अबू धाबी ट्रैवल करें तो ही आपके लिए सेफ है, क्योंकि अबू धाबी ने मेरे ख्याल से अभी तक विजिट वीज़ाज इशू नहीं किए हैं इंडियन सेक्टर्स के लिए। तो अगर आप दुबई से अबू धाबी ट्रैवल करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि आप टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से जवाब देना होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा रिटर्न टिकट का, तो आप अपना रिटर्न टिकट दिखा दीजिएगा। मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से मिलने आई हूँ, यहाँ पर विजिट करने आई हूँ, तो इसीलिए मुझे वहाँ उनके पास अपनी अमीराती आईडी अपने हस्बैंड की जमा करानी पड़ी। वेल, इसके बाद जब आपका पासपोर्ट स्टैम्प कर दिया जाएगा, वीज़ा आपका ओके कर दिया जाएगा, तो आप जाएंगे आगे सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक पे जाने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बैग में ऐसा कोई भी सब्सटेंस ना हो जो कि वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेरा बैगेज पॉलिसी जो आगे मैंने फॉलो किया था, उसके अकॉर्डिंग भी दो बार एरर आ गया। मेरे बैग में कुछ माइक था, ट्राईपॉड्स वगैरह थे जो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन जब उन्हें मैंने अलग से एक ट्रे में डाला तो उन्हें क्लियरेंस मिल गया बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। इसके बाद आई हैड सम मील्स। आप थोड़ा सा अपना सेफ्टी सैनिटाइजेशन प्रोसेस ध्यान में रखें, वहाँ मील्स भी एयरपोर्ट लाउंज में एंजॉय कर सकते हैं, फूड कोर्ट में एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप जब बोर्डिंग के लिए जाएंगे तो याद रखिएगा कि आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अगेन आपके पास होने चाहिए। बोर्डिंग प्रोसेस में मुझे दिक्कत आई थी रिटर्न टिकट के लिए, जो कि मुझे इमीडिएटली वहाँ पर करनी पड़ गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को देखने आई और मेरे प्लान्स हैं लॉन्गर स्टे करने के, तो मुझे जो है वहां पर दिखाने के लिए रिटर्न टिकट चाहिए था। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई वो वहाँ पे यही हुई कि रिटर्न टिकट ना होने की वजह से मुझे बोर्ड करने से रोक दिया गया था। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, लास्ट 5 मिनट्स में आई हैव रिक्वेस्टेड माय ट्रैवल एजेंट टू बुक माय टिकट्स एसैप, और मुझे उन्हें दिखाने के बाद ही मुझे एंट्री मिली। वहाँ पर भी, यानी कि अगेन बोर्डिंग पर भी आपको जो है अपना रैपिड पीसीआर दिखाना होगा। आप याद रखिएगा कि आपके आरटीपीसीआर टेस्ट पर पासपोर्ट नंबर ज़रूर हो। मुझे सबसे पहले बोर्ड करने के लिए इसीलिए रोका गया था कि मेरे आरटीपीसीआर पे पासपोर्ट नंबर नहीं था। तो आपके पासपोर्ट नंबर होने चाहिए आपके आरटीपीसीआर पे, आपके पास रैपिड नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए एंड सो मच मोर। इसके अलावा जब आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा कि आप अपनी सीट या तो विंडो सीट लें या फिर आयल लें, बिकॉज मिडिल में आपको जो है एक गाउन दिया जाएगा, आपको फेस शील्ड दी जाएगी और आपको अपने आप को कवर करके जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स ही ट्रैवल करना होगा, और अगर आपने किसी भी रूल को अबाइड किया तो आपको फाइन चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, ये तो रहा बोर्ड करने तक का। जब बोर्ड कर लिया, आप लैंड हो गए दुबई, तो उसके बाद क्या? उसके बाद सवाल ये आता है कि लवलीना, क्या हमें वैक्सीनेशन मैंडेटरी है? क्या दुबई में वैक्सीन सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं? तो जी हाँ, जब आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, लैंड होने के तुरंत बाद आपको बैग कलेक्ट करने नहीं दिया जाएगा। आपको सबसे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है, आपको अपना वीज़ा दिखाना है। वहाँ पे आपसे अमीराती आईडी मांगी जाएगी। अगर आपके पास अमीराती आईडी नहीं है तो आपसे कोविड-19 की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। वेल, ये आप पता कर लीजिए कि यूएई में कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव है। अकॉर्डिंग टू मी, आप फाइजर ले सकते हैं बायोनटेक की, आप एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यानी कि कोविशील्ड ले सकते हैं, आप स्पुटनिक ले सकते हैं, और जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन आपको चेक करनी होगी जो कि यूएई ने अप्रूव की होगी। अगर आपने उनमें से कोई लिया है, उसका सर्टिफिकेट दोनों डोजेस का आपके पास होना चाहिए। अब इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको दुबई रेल से ड्रॉप किया जाएगा बैगेज सेंटर पर,
बैगेज सेंटर पे पहुंचने के बावजूद भी आप डायरेक्टली बैग कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले COVID-19 के टेस्ट के लिए एक बार फिर से जाना होगा। आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे एक टूरिस्ट नंबर दिया जाएगा जिसे आपको अपने फ़ोन में इंसर्ट करना है। उस नंबर को ही आपको COVID-19 टेस्ट कराने के दौरान वहाँ पे सेंटर पर जो आपका टेस्ट कर रहे होंगे उन लोगों को देना होगा। वो आपसे कहेंगे DXB ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे आपको आपके COVID-19 टेस्ट का स्टेटस पता चलेगा। तो जब आपके पास नंबर होगा, DXB ऐप होगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, आपको स्टेटस अपना ग्रीन पाने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा टेस्ट COVID-19 का अभी 48 आवर्स दुबई लैंड होने के बावजूद भी पूरे नहीं हुए थे, सो आई वॉज अलाउड टू क्रॉस द बॉर्डर। क्योंकि मुझे अबू धाबी आना था दुबई से, तो मेरे लिए ये आसान था बॉर्डर क्रॉस करना। ओके, तो जब आप दुबई बॉर्डर के इमिग्रेशन क्लियरेंस को कर लेते हैं, आप COVID-19 टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, आपके आप डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। टैक्सीज जो हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगी, आपको या तो दुबई मेट्रो से जाना होगा अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन से। इब्ने बतूता से आपको टैक्सीज मिल सकती हैं, वहाँ तक के लिए आपको मेट्रो मिल जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल दिल्ली की तरह ही टिकट लीजिए और आप मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। दुबई आप पहुँचने के बाद, इसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, अबू धाबी जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट बिकॉज आई हैव टू रीच अबू धाबी, सो माई हस्बैंड केम टू लाइक रिसीव मी, और उनके साथ मैंने जब अपना बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान उन्हें बताया, तो मुझसे बॉर्डर अथॉरिटीज़ ने यहाँ का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट मांगा, मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, मुझसे COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी, मुझसे रैपिड PCR मांगा, मुझसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा, मुझसे वीज़ा मांगा गया, और इसके अलावा मुझसे कुछ 2-4 क्वेश्चंस जो है वहाँ पर पूछे गए थे कि आप कितने टाइम के लिए हैं, विजिट वीज़ा पर हैं, कब लैंड हुए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्लियरेंस जो हैं वो आपको बॉर्डर पहुंचने से कुछ एक 15 मिनट की दूरी पर आपको एक स्टॉप दिख जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये क्लियरेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे नहीं लेते हैं, अगर आप अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मोर ओवर मुझे ये क्वारंटीन वॉच भी पहनाया गया है जिससे मेरा लोकेशन ट्रेस होता है, जिससे इन लोगों के पास जो है सारी अपडेट जाती है मेरे मूवमेंट की। आज मेरा 4th डे था अबू धाबी में, तो मुझे आज अपना टेस्ट कराने जाना था, जो कि सेहा में ही हुआ, सेहा अप्रूव्ड लैब्स में ही हुआ, और इसके अलावा मैं कहीं भी टेस्ट नहीं करा सकती। एंड मोर ओवर मैं आपको ये भी बता दूं कि 4th डे और 8th डे आपका टेस्ट होगा। क्वारंटीन की टाइमिंग जो है मेरे आने के, यानी 7 सितंबर के बाद चेंज हुई है। मैं 6 सितंबर को लैंड हुई थी, तो इसीलिए मुझे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। जो लोग 7 सितंबर के बाद लैंड हुए हैं, उन्हें क्वारंटीन शायद अबू धाबी में अब नहीं करना है, बिकॉज वो वैक्सीनेटेड होंगे तो ही। और टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो मुझे फॉलो करनी है। यही एक प्रोसीजर है जिसके बाद मुझे बॉर्डर पे अपना सर्टिफिकेट दिखाने के बाद क्लियरेंस मिल गया था, और मैं आज अपने घर में हूँ और आप लोगों के साथ इस पूरी गाइडलाइन को, इस पूरे एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके इंडिया से दुबई या अबू धाबी आने में हेल्प करेगा, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन टाइम्स ऑफ कोविड UAE ट्रैवल करना आसान नहीं रहा है, और आगे भी शायद थोड़े से डिफ़िकल्टीज, थोड़े से चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि दुबई और अबू धाबी दोनों ही अपने गाइडलाइंस, अपने प्रोटोकॉल्स रातों रात बदल रहे हैं। सो कीप yourself अपडेटेड ऑन their ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर अगर आप किसी भी क्वायरी को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आज से UAE से संबंधित कुछ अपडेट्स जो हैं वो लगातार मिलते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़रूरत पढ़े, और आपके फ्रेंड्स भी अगर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स
अगर दुबई या अबू धाबी ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके साथ इस ज़रूरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मोर ओवर आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरीके से प्यार बरसाते जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके साथ लवीना इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।